आपको याद होगा कर्ज में डूबे श्रीलंका का कुछ टाइम पहले क्या हाल था और आज तक खुद को इस कंडीशन से इम्प्रूव करने की कोशिशें कर रहा है। बैंकक्रप्ट श्रीलंका आस्क्ड सिटीजंस अब्रॉड टू सेंड होम कैश। 13 लंकन बैंक्स प्लेस्ड ऑन रेटिंग वॉच नेगेटिव। श्रीलंका डिफॉल्ट्स ऑन $51 बिलियन एक्सटर्नल डेट। श्रीलंका में रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ रही हैं। महंगाई दर 50% के पार पहुंच चुकी है। दवाइयों की कमी के कारण पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। श्रीलंका which is becoming increasingly dramatic with residents' life savings virtually disappearing into thin air. There's real inflation at over 130% in March. पड़ोसी देश श्रीलंका आर्थिक संकट से अब तक उबर नहीं पाया है। हालात अब भी वैसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे 6 महीने पहले थे। श्रीलंका में अब भी लोग 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हैं। श्रीलंका की इस हालत को देखकर कई देशों ने खुद को सुधारने की कोशिश की। लंका की आग का असर हमारे देश में भी दिखा और सवाल उठे कि हमारे देश और हमारी स्टेट्स पर कितना कर्ज है। कई रिपोर्ट्स आई जिसमें अलग अलग स्टेट्स के बारे में बताया गया पर सबकी नजरों में था सिर्फ पंजाब। पंजाब आज बर्बाद हो रहा है। पर आज पंजाब धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। पंजाब डेट ट्रैप में फंस चुका है। पंजाब नेक्स्ट श्रीलंका बनता जा रहा है। कर्ज का दलदल, इस दलदल में पंजाब नीचे घुसते जा रही है। अक्सर सोशल मीडिया पर पंजाब के बारे में ही जिक्र किया जाता है पर कर्ज लेने में सिर्फ पंजाब अकेली स्टेट नहीं है। पंजाब के अलावा और भी काफी स्टेट है जो भारी भरकम कर्ज ले रही है और उसमें डूबती जा रही है। कौन कौन सी स्टेट ने कर्ज ले रखा है, कर्ज क्यों लिया जा रहा है और कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। कुछ टाइम पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सालाना रिपोर्ट रिलीज की जिस पर कर्ज को लेकर कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट की स्टार्टिंग में RBI ने साफ साफ लिखा है कि श्रीलंका के क्राइसिस को देखते हुए हम इस रिपोर्ट के जरिए राज्यों की तरफ से लिए जा रहे कर्ज के ऊपर ध्यान लाना चाहते हैं कि एक तरफ तो COVID-19 की वजह से पहले से ही हालात नहीं सुधर रहे हैं और ऊपर से राज्य अलग अलग सब्सिडीज के बोझ टैक्स रेवेन्यू में देरी और आजकल सरकारों की तरफ से दी जा रही फ्रीबीज और भी ज़्यादा हालत खराब कर रही है। फ्रीबीज जानी फ्री में दी जाने वाली फैसिलिटीज जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह। कौन सी स्कीम के साथ स्टेट पर कितना बोझ बढ़ेगा इसका जिक्र भी इसमें किया गया है। अब बात करते हैं उन स्टेट्स की जो कर्ज लेने में आ गए हैं। वैसे तो RBI ने 17 स्टेट्स को इस लिस्ट में शामिल किया है पर 10 स्टेट यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इनको क्रिटिकल जोन में रखा है। यानी कि इन स्टेट के ऊपर कर्ज का बोझ सबसे ज्यादा है। RBI ने GSDP यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ ये डाटा कैलकुलेट किया है। देश के बाकी स्टेट में जितना कर्ज लिया है उसमें से 35% ज्यादा कर्ज इन स्टेट्स ने ले रखा है। आखिर बार बार कर्ज क्यों लिया जा रहा है? राज्यों का खर्च हमेशा ज्यादा ही होता है। अलग अलग स्कीम्स और फैसिलिटीज को चलाने के और शुरू करने के लिए सरकार हर साल कर्ज लेती है और इससे उबरना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कर्ज के भुगतान में ही सरकार का काफी पैसा चला जाता है और इसी तरह कर्ज लिमिट के ऊपर चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए RBI ने रिपोर्ट में स्टेट और उनकी योजनाओं के बारे में बताया है। जैसे कि पंजाब में शुरू की गई मुफ्त बिजली स्कीम जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का सरकार पर बोझ पड़ा। इसी के साथ सरकार ने पुराने बिजली के बिल भी माफ किए थे। इसके बाद सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपए पर मंथ महिला सम्मान राशि को शुरू करने का ऐलान किया था जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई है पर जब होगी तो उसका भी 12,000 करोड़ रुपए का बोझ अलग से पड़ेगा। सरकार पर टोटल 17,000 करोड़ रुपए के आसपास बोझ बढ़ना अब जाने की तय हो जाएगा जो कि GSDP के 2.7% और टैक्स रेवेन्यू का 45.5% होने वाला है। इसी तरह हरियाणा की विवाह शगुन योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, फ्री बाईसाइकिल योजना, राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, CM डिजिटल सेवा योजना, किसानों की कर्ज माफी, ब्याज माफी योजना और वेस्ट बंगाल की लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री प्रकलम, रूपश्री प्रकलम योजना और झारखंड की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम जैसी कुछ स्कीम्स का RBI ने रिपोर्ट में जिक्र किया है। ये वो कुछ स्कीम्स है जिसका बोझ सीधा सीधा सरकार के बजट पर पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जीतने के लिए कई वायदे और गारंटीज जनता को देती है। जब जनता उन्हें चुनती है तो वो वायदे और गारंटी सरकार को पूरी करके दिखानी होती है जिसके लिए वे अपने रेवेन्यू से और कुछ हिस्सा कर्ज से लेकर उन स्कीम्स को लॉन्च करती है। नई योजनाओं के साथ साथ पुरानी योजनाएं और कर्ज भी सरकार पर रहता है जिसकी वजह से सरकार के रेवेन्यू का ज़्यादा हिस्सा कर्ज और ब्याज चुकाने में ही निकल जाता है जिसकी वजह से सरकार को इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और बेसिक डिमांड्स को पूरा करने में दिक्कत भी आती है।
ये भी बता दें कि इस फाइनेंशियल ईयर में पंजाब के रेवेन्यू का एस्टिमेटेड 22.2%, वेस्ट बंगाल का 20.1%, केरला का 19.4%, हिमाचल प्रदेश 14.6% और राजस्थान का 13.8% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कर्ज का ब्याज देने के लिए जाने वाला है। यानी कि जो रेवेन्यू हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा तो कर्ज को खत्म करने में ही जा रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने हालात ना सुधार पाई तो इसी तरह फ्रीवीज बांटने में लगी रही तो आने वाले टाइम में हालात और भी भयानक होने वाले हैं। इलेक्शंस के टाइम जब भी कोई नेता या कैंडिडेट आपसे मिले तो उनसे ये सवाल जरूर पूछना कि आप हमारी स्टेट में कर्ज खत्म करने के लिए क्या करोगे। जो पार्टी या नेता इस बात का जवाब देने की जगह फ्रीवीज का लालच दे उसे थोड़ा दूरी बनाकर ही रखना। धन्यवाद।